अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अफशा की दुनिया में आपका स्वागत है। तो देखिए गाइस, ये बोतलें जो है मैंने सुबह 5:30 बजे फिल की थी, ये पानी की वाटर बोतल सारी खाली हो गई थी। और पता है हमारा ना वाटर जो है पानी नहीं उठा रहा, तो पता नहीं क्यों पानी जो है टाइम से आ रहा है, पता नहीं इतनी पानी की परेशानी होती है। तो मैं सुबह 5:30 बजे उठी और ये टाइम ना सुबह 5:30 बजे का है। और मैं यहाँ पर अपना टैंक, मैंने मोटर चला दी थी और फिर टैंक भरा मैंने। और देखिए यहाँ पर मैं ऊपर आई थी टैंक देखने के लिए कि भरा है नहीं भरा है टंकी मेरी, और यहाँ पर मेरी टंकी फुल हो चुकी थी और पानी आने लगा था। और फिर देखिए मैं यहाँ पर ना पानी जो आ रहा था, मैं फटाफट नीचे गई और मोटर वगैरह बंद कर कर आई। तो देखिए, और मौसम इतना अच्छा हो रहा था ना गाइस, ऊपर का मन नहीं कर रहा था मेरा नीचे आने का। फिर भी बस इतने सारे काम थे सुबह मुझे इतने सारे काम करने थे बहुत ही, और नीचे आ गई थी मैं। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने बर्तन वॉश किए थे रात में, और मैं ना रात हैंड टू हैंड अपने बर्तन वॉश कर देती हूँ। देखिए रात में ना इतनी बारिश आई ना, सारे बर्तन फिर दोबारा से गंदे हो गए थे। और देखिए यहाँ पर कितनी बारिश पड़ी हुई है, देखिए कितना गीला हो गया फर्श, इतनी मेहनत करा रखी है ना इसने बारिश ने, अल्लाह पाक अपना रहम कर दे। और देखिए मशीन पर मैंने मैट डाला हुआ है 10 फन ना, यहाँ पर ना मेरी मशीन भीग जाती है नहीं तो। और यहाँ पर देखिए फिर इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी ना, देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और यहाँ पर मैंने जाल ढका हुआ था अपना शीट से, फिर भी पानी गिर रहा था नीचे, और देखिए फिर भी गीला गीला हो गया था। और यहाँ पर सुबह में फिर मैं नाश्ता बनाने लगी थी, यहाँ पर बना रही हूँ मैं पराठे, और जो है आपको तो पता ही है लेकिन फेवरेट है, और हमद जो आया हुआ है मेरा भांजा उसकी भी फेवरेट है। तो दोनों रात ही में कहकर लेटे थे आप ही मेरे लिए पराठे बना देना, तो फिर मैंने उसके लिए पराठे बनाए नाश्ते में, ऑमलेट वगैरह और बनाई चाय वगैरह इसके लिए। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ इनका नाश्ता तैयार। देखिए ऐसे ही होता है, और इतनी परेशानी होती है ना पानी के बगैर, आपको क्या बताऊँ। पानी नहीं आ रहा था तो इसलिए मुझे ना मॉर्निंग में 5:30 बजे मैं उठी और अपने वाटर बॉटल फिल की, टंकी भरी, और फिर बस सुबह से मेरा जो है अपना रूटीन स्टार्ट हो गया था। देखिए गाइस, नमाज वगैरह पढ़कर मैं फिर अपने उसमें लग गई थी काम में मॉर्निंग के। तो देखिए बस अकेली हूँ तो फिर मुझे ही मैनेज करना पड़ता है। वैसे मेरी बाजी आई हुई है ना, इतनी हेल्प कर रही है ना मेरी, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी है मेरी सिस्टर। हम ऐसे ही, मेरी सिस्टर सब लग जाती है काम में आकर, हम अपनी सिस्टर के जाते हैं हम भी ऐसे लग जाते हैं, मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छी है मेरी सिस्टर। और फिर देखिए यहाँ पर नाश्ता रेडी हो चुका था, और यहाँ पर हम नाश्ता कर रहे थे, ये बैठा हुआ है अली मेरा बेटा, और यहाँ पर मेरी बाजी बैठी हुई है, और ये दाल है, दाल से रोटी खा रही है। मैंने ना दाल बनाई थी खड़ी मसूर की रात में, लाइट खाना है ना, देखिए मौसम भी कैसा चल रहा है बारिश वगैरह का, तो इसलिए मैं थोड़ा लाइट ही खाना बना रही हूँ इस टाइम पे। और फिर ना ये देखिए जो गाइस, ये दोपहर में ना हम फिर कचौरी बनाने लगे थे, बच्चे कह रहे थे कचौरी बना लीजिए, तो फिर मैंने सोचा लाओ अच्छा लगता है दोपहर में बनाएं। तो ये ना मेरी बाजी ने, मेरी बाजी की रेसिपी है, देखिए मैंने, मेरी बाजी बना रही थी, मैंने सोचा लाई अपनी बाजी की बनाई हुई रेसिपी दिखाती हूँ आपको। देखिए कैसे इनका मेथड अलग है कचौरी बनाने का, मेरा अलग है। ये देखिए ऐसे छोटी सी गोल सी पिट्ठी बनाती है, वो बनाती है जो आटे की चगेरी है, और उसमें ये ना ये जो है फिलिंग इसमें फील कर रही है, और फिर उल्टा रख के ना ऐसे पानी से कर रही है। और देखिए इन्होंने कपड़ा डाला हुआ है प्लेट पर, और मैं जो है पन्नी लगाती हूँ यहाँ पर। देखिए इतनी अच्छी कचौरी बना रही है, बहुत ही अच्छी कचौरी बनाई थी इन्होंने, और इतनी टेस्टी लग रही थी ना, इनके इनके हाथ में अलग फ्लेवर था और मेरे हाथ में अलग फ्लेवर था। देखिए कितनी अच्छी माशाल्लाह इतनी सफाई से बना रही थी, और इनकी कचौरी ना ना टूटी ना फूटी कुछ भी नहीं था, इतनी अच्छी कचौरी बनाई थी मेरी बाजी ने, बहुत पसंद आई थी हम सबको इनके हाथ की कचौरी। और ये कपड़े पर तो और ज़्यादा अच्छे बना रही हैं ये, देखिए आप भी ऐसे ही कॉटन का कपड़ा यूज़ करना, और देखिए नीचे प्लेट है और इसके ऊपर कपड़ा डाला हुआ है, और इतनी अच्छी कचौरी बन रही थी, ना कटी ना टूटी थी, कुछ भी नहीं थी फटे वगैरह, फटी भी नहीं थी नहीं कचौरी। देखिए कितनी अच्छी तरह से सफाई से बना रही है मेरी बाजी कचौरी, और इनकी जो है काफ़ी फूली फूली बन रही थी, बहुत क्रिस्पी क्रंची सी। और ये अंदर जो है अली को दे करा रही थी, हमद को दे करा रही थी, हम ऐसे ही खाते हैं इस तरह की चीज़ें ना, ताज़ी और गर्म गर्म ही अच्छी लगती हैं। और यहाँ पर तैयार हो रही है हमारी कचौरी, और ये देखिए हाई फ्लेम हो रही थी तो ये लाइट हल्की लो फ्लेम पर सीखती हैं, तो मैंने लो फ्लेम कर दी थी, देखिए अंदर से सीख रही थी बहुत अच्छे से। ये खड़ी हुई है मेरी बाजी,
और इनके जो मसाला बनाने की जो पिट्ठी है ना वो भी अलग है, डिफरेंट है बिल्कुल। ये ना जो है खीमे को जो कूटती हैं, फिर उसमें ना इन्होंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था और बारी बारी प्याज काट के डाली थी चॉप करके, हरी मिर्च डाली थी, हरा धनिया डाला था और जो है लाल मिर्च डाली थी। बहुत ही अच्छी, मतलब इन्होंने जो है इसकी कीमे की जो है फीलिंग बहुत अच्छे से बनाई थी, बहुत ही अच्छी लगी थी माशाल्लाह। और घी में इन्होंने फ्राई की थी इसको, बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा था। मैंने ऐसे टेस्ट किया था ना, देखिए इनकी जो फीलिंग अलग है और मेरी फीलिंग अलग है और काफ़ी टेस्ट बदल जाता है इन चीज़ों से, जो खाने का है टेस्ट बदल जाता है। और काफ़ी टेस्टी बनी हुई थी, बहुत अच्छी लग रही थी माशाल्लाह इनकी कचौरी। देखिए कितनी अच्छी तैयार हो रही है, और मतलब ऐसे ही चलता रहता है जब मेहमान वगैरह आ जाते हैं ना घर पे, तो बस बहुत मज़ा आता है, बहुत ही इंजॉय करते हैं। कभी कुछ ऐसे खाना पीना चलता रहता है, कभी यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, और बस हमारे यहाँ ना ऐसे ही चल रहा है 2-3 महीने से माशाल्लाह। आपको पहले मैंने दिखाया था, मेरी सिस्टर वगैरह सब आई हुई थी और अभी वाली सिस्टर आई है, बहुत दिल लगता है माशाल्लाह बड़ी फैमिली में दिल बहुत लगता है। तो देखिए यहाँ पर ना फिर इनको तैयार कर कर दी थी हमने, और दही बना रखी है हमने इसकी। हाँ हमद, और कैसा लगा तुम्हें यहाँ घर आके सहारनपुर? दिल लग रहा है तुम्हारा, बोर तो नहीं हो रहे? आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी, ये ना गाइस बहुत हल्की बोलता है मेरा भांजा। मैं तो बहुत दिल लग रहा है यहाँ पर, मुझे तो जाने का भी मन नहीं हो रहा है अपने घर, पर मेरी मम्मा ले जाएगी मुझे अपने घर। पाजी को कितनी चिंता रहती है मेहमानों की, कहीं इसी चिंता में। हाय गाइस, हाय गाइस, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरी अपी को सपोर्ट कीजिए आप प्लीज, मेरी अपी को सपोर्ट कीजिए गाइस। तो देखिए गाइस यहाँ पर ना मेरी फ्रेंड आ गई थी, बैठी हुई है देखिए अंदर, बातें कर रहे हैं हम सब, और बस ऐसे आना जाना लगा रहता है मेरी फ्रेंड वगैरह कभी कोई। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे घर पे कोई आता है ना, तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना, बहुत ही बहुत खुशी होती है। और मतलब मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं, और देखिए मेहमान के आने से ना अल्लाह बहुत खुश होते हैं। तो देखिए फिर ना थोड़ी देर बाद जैसे मेरी फ्रेंड गई, मेरी बाजी का लड़का आ गया था, ये देखिए किसी काम से आया था ये। देखिए खा रहा है चिकन, इन दोनों का ना फेवरेट है चिकन फ्राई, है ना जी, जी। और कहाँ से लाते हो आप? गैलेक्सी चिकन। हाँ ये ना उसी दुकान का ना बहुत पसंद करता है, गैलेक्सी सेंटर है ना, बहुत अच्छा मतलब फ्राई करते हैं, और अंदर से भी एकदम फ्राई होता है, कच्चा नहीं निकलता है। मतलब हमने ना एक बार दूसरी दुकान से मंगा लिया था, तो इतना कच्चा था ना हमारा यूज, मतलब बेकार में हुआ था ये, हमने खाया भी नहीं था उसको, और ये इतना अच्छा बनाते हैं। अली ना यहीं से ला करके खाता है, और माशाल्लाह इसको बहुत पसंद है। और देखिए इसका फ्रेंड है हमद, ये आए हुए है ना, मेरी बाजी का बेटा है हमद, और इसका बेस्ट फ्रेंड भी है ना जी। तो ये कहने लगे हम तो चिकन खाएंगे, मैंने कहा चलो लेकर आ जाओ चिकन, कोई नहीं खा लो आप, जो मेरा बेटा कहता ना मैं वही सोचती हूँ खा ले ही, कुछ तो खाए, देखिए कितना वीक है ना। आप भी गाइस कमेंट कीजिएगा कि सब चीज़ खानी चाहिए बच्चों को, घर में तो हेल्दी फूड ही बनता है। और ये देखिए हर चीज़ को नहीं कहता है मम्मा ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, बस ये इस तरह की चीज़ें खाना पसंद करता है, सब चीज़ें खानी चाहिए ना। और हमद कौन से क्लास में पढ़ते हो? और देखिए गाइस आप भी खा लीजिए चिकन, मैं भी खा रही हूँ, आप भी खा लीजिए। और यहाँ पर देखिए साथ साथ टीवी भी वॉच कर रहे हैं, देखिए टीवी देख करके ही खाना खा रहे हैं, कितनी गलत बात है ना गाइस। और मैं इसको ना इतना समझाती हूँ ऐसे मत क्या करो, खाना खाते हुए कभी टीवी वॉच नहीं करना चाहिए, पर कभी कभी तुम बंद कर देते हैं और बस कभी कभी लग जाती है, वैसे कहना मानता है मेरा बच्चा, ऐसी बात नहीं है। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी ना, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे अपने नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।